दी लल्लन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, दी लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इस समय थम सी गई है। लोग लॉकडाउन में है, रोज कोरोना से जुड़ी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इसी बीच सामने आ जाती हैं कुछ ऐसी चीजें जो पूरी तरह नॉस्टैल्जिया में पहुंचा देती हैं, फ्लैशबैक में पहुंचा देती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार स्पिनर शेन वॉर्न इन दिनों ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। वॉर्न ने इस खाली वक्त का उपयोग करने और फैंस को पुराने क्रिकेट स्टार्स की फिर से याद दिलाने का मन बना लिया है। वॉर्न इस समय ऑस्ट्रेलिया, एशेज टीम, आईपीएल टीम और साथ ही जिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ वो खेले हैं उनकी एक प्लेइंग 11 बना रहे हैं। कई टीमों के बाद अब वॉर्न ने इंडियन टीम की भी अपनी इंडियन प्लेइंग 11 बनाई है। इस टीम में उन्होंने किन खिलाड़ियों को रखा है, किसे कप्तान बनाया है, किसे विकेट कीपर बनाया है, जानते हैं। शेन वॉर्न ने अपनी टीम में का कप्तान चुना है सौरव गांगुली को। वॉर्न की नज़र में सौरव गांगुली भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ कप्तान रहे हैं। वॉर्न की टीम में ओपनर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उन्होंने दी है नवजोत सिंह सिद्धू और वीरेंद्र सहवाग को। उन्होंने बताया कि आखिर इतने ओपनर्स होने के बावजूद उन्होंने सिद्धू को अपनी टीम में ओपनिंग के लिए क्यों चुना। वॉर्न ने कहा, मैंने नवजोत सिद्धू को इसलिए चुना क्योंकि जिन खिलाड़ियों के खिलाफ मैंने खेला है उन खिलाड़ियों में सिद्धू सर्वश्रेष्ठ स्पिन खेलने वाले खिलाड़ियों में से हैं। मेरे अलावा और भी स्पिनर्स ने मुझसे कहा कि सिद्धू स्पिन के कमाल के खिलाड़ी थे। अब बात मिडिल ऑर्डर की। वॉर्न की मिडिल ऑर्डर में पहली पसंद है राहुल द्रविड़। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली को भी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में रखा है। हालांकि उनके इस मिडिल ऑर्डर में वीवीएस लक्ष्मण का नाम नहीं है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई यादगार पारियां खेली हैं। लक्ष्मण को टीम से बाहर रखने का तर्क भी वॉर्न ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस टीम में गांगुली के लिए गया क्योंकि मुझे उन्हें अपनी टीम का कप्तान बनाना था, इस वजह से मुझे लक्ष्मण को टीम से बाहर रखना पड़ा। अब बात ऑलराउंडर की। बतौर ऑलराउंडर शेन वॉर्न ने अपनी टीम में दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव का नाम रखा है। उनकी नज़र में जब वो भारत के खिलाफ खेले तो कपिल सर्वश्रेष्ठ थे। स्पिन, अपने स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में शेन वॉर्न ने टीम इंडिया के दो स्पिनर्स को चुना है, जंबो अनिल कुंबले और टर्मिनेटर हरभजन सिंह। तेज गेंदबाज, वैसे तो कपिल पाजी भी तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन वॉर्न की इंडियन टीम में सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हैं, वो हैं जवगल श्रीनाथ। वॉर्न श्रीनाथ के रूप में इकलौते तेज गेंदबाज को अपने इंडियन प्लेइंग 11 में रखा है। अब आखिर में आपको बताते हैं कि किस विकेट कीपर को वॉर्न ने अपनी टीम में जगह दी है। इनका नाम है नयन मोंगिया। दरअसल वॉर्न जब अपने देश के लिए क्रिकेट खेले तब तक धोनी इंडियन टीम में नहीं आए थे। ऐसे में धोनी की वॉर्न की टीम में जगह नहीं बनती, इसलिए उन्होंने नयन मोंगिया को टीम में शामिल किया है। शेन वॉर्न वर्ल्ड क्रिकेट के लीजेंड स्पिन गेंदबाज रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज भी हैं। और भी दिलचस्प खबरों के लिए दी लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए। दी लल्लन टॉप देखने के लिए शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।